नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबको क्लासी मार्केट में। तो चलिए देखते हैं कल के दिन हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी क्या लेवल रहना चाहिए और क्या ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार, वीडियो को लाइक कर दो यार, 400-500 जितना लाइक कर सकते हो कर दो। और मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए जहां पे मैं लेवल देता हूं। कल भी जो लेवल दिया था वहां पे 500-600-800 पॉइंट का हमें क्लियर कट मोमेंट देखने को मिला था। कल एक्सपायरी है, सो डेफिनेटली कल आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मिलने वाला है, परफेक्ट एनालिसिस मिलने वाला है। और हर दिन मैं पोस्ट करता हूं, जो आप किसी को पे करके देते हो सारे के सारे एनालिसिस वगैरह फ्री में मेरे और जो फ्री वाले टेलीग्राम चैनल वहां पे पोस्ट करता हूं। सो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी कभी जाइए एंड ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सुबह मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल वगैरह दे दिया था एंड देन 35,789 का जो लेवल दिया था बोला था उसके ऊपर जाएगा तो बाय करने के लिए। और यार मार्केट आप देख सकते हैं यहां पे आके रुक गया, उसी लेवल के आसपास आके रुक गया। उसके बाद मैंने ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी करके दिया था फ्री में, सब कुछ प्रॉपर लॉजिक के साथ देता हूं दोस्तों। 35,500 का लेवल मैंने सपोर्ट बताया था, एग्जैक्टली यहां पे आया मार्केट और वहां से बाउंस बैक कर गया। एंड अगर आप देखो तो 35,800 के ऊपर जाएगा तो जाके बाय करने के लिए मैंने बोला था, और बोला था कि बीच में रहेगा तो क्लियरली वोलेटाइल रहेगा और वहीं रुआ, राइट। और अगर आप मेरे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल की बात करें वहां पे भी मैंने बोला था कि आज मार्केट वोलेटाइल रहने वाला है। सो दोस्तों, आई होप आपको सब कुछ सही में समझ में आ रहा है। कमेंट कर दीजिए वीडियो पर यार एनालिसिस कैसा लगता है एंड लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कल के लिए हम एक्सपायरी के दिन क्या कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, बैंक निफ्टी को अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा हूं, यहां पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, अभी एक अप ट्रेंड में है, राइट। क्लियर कट एक अप ट्रेंड में आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो ग्रीन कलर का मैं जो ट्रेंड लाइन बना के रखा हूं, ये क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी को एक अप ट्रेंड में मतलब कन्वर्ट तो नहीं, सपोर्ट दे रहा है। ये ट्रेंड लाइन जो है ये बैंक निफ्टी को सपोर्ट दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां से रैली स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, इसी ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर ऊपर, फिर देखिए इसी ट्रेंड लाइन टच किया, फिर ऊपर गया, फिर आज आके आप देख सकते हैं 915 पे एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर ऊपर गया, फिर देखिए लास्ट में भी इसी ट्रेंड लाइन को टच किया, ऊपर जाने की कोशिश किया, और यहां पे एक छोटा सा, यहां पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा स्विंग बना के स्टॉप हो गया। सो दैट सिंपल हमारा व्यू क्या रहना चाहिए, रेडी रहो दोस्तों। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ या फिर थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ और 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल धड़म करके ये जो 35,810 का लेवल को तोड़ा तो सीधा आपको टारगेट देखने को मिलेगा 36,000। ध्यान से सुनिए, कल अगर थोड़ा गैप डाउन फ्लैट ओपनिंग हुआ धड़म करके, अगर 15 मिनट या फिर 5 मिनट का कैंडल ऊपर ब्रेक किया 35,810, देन आपको टारगेट देखने को मिलेगा 36,000। बहुत इजीली चला जाएगा यार, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि पिछले बार भी मैंने बताया था आपको, डेफिनेटली ये बताया था पिछली बार याद है आपको, कि अगर 35,230 टूटेगा तो डेफिनेटली बाय करने के लिए मैंने बोला था, टूटा और ट्रेंडिंग मूवमेंट। तो कल के लिए रेडी हो जाओ, कल के लिए किस सिचुएशन में आपको सडनली बाय कर सकते हैं, फ्लैट ओपनिंग हुआ टूटा तो बाय करना। अगर गैप अप ओपनिंग हो गया, समझ लीजिए अगर गैप अप ओपनिंग हो गया, देखिए समझ लीजिए 100-200 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हो गया तो वेट करना, यहां पे क्या होगा मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा, ठीक है, वोलेटाइल होगा और 12 बजे या फिर 12:30 1 बजे के आसपास अगर देखिए गैप अप ओपनिंग हुआ वोलेटाइल होगा, फिर 12:30 के आसपास अगर 36,000 को तोड़ देता है राउंड लेवल में तब जाके सीधे आपको 400-500 पॉइंट का ऊपर मोमेंटम देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी को सेल कब कर सकते हैं, अगर फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे चला आए और 35,645 अगर टूटे तब जाके सेल करिएगा। रीजन आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि देखिए यहां पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, राइट। तो अगर कल फ्लैट ओपनिंग होकर या फिर थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग होकर सपोर्ट को तोड़ देगा वॉल्यूम के साथ, और यहां पे देखिए यहां पे क्या है, एक छोटा सा लाइक आप सपोर्ट बोल सकते हो या फिर एक बेस बना के गया है बैंक निफ्टी। आज यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे एक छोटा सा बार बार देखिए इस लेवल को देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बार टच करके ऊपर गया। सो फिर कल अगर 35,645 के नीचे गया तो आप सेल कर सकते हैं। निफ्टी का हम देख लेते हैं जल्दी। देखिए निफ्टी को अगर आप देखो, निफ्टी भी वही सेम पैटर्न बना रहे हैं। अगर पहली बात तो निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं, निफ्टी एक अप ट्रेंड में है, क्लियर हो गया। ये जो ग्रीन कलर का मैं ट्रेंड लाइन बना कर रखा हूं, ये निफ्टी को सपोर्ट दे रहा है। यहां पे देखिए 1, 2 देन आज देखिए 3 और आज दिन भर सपोर्ट देता रहा, देखिए यहां पे 4, 5। सो दैट निफ्टी जब तक ये ग्रीन कलर का ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ता, 15,832 के नीचे नहीं आता, तब तक हम सेल नहीं करेंगे, राइट। सो देट आपको इतना पता चल गया, इसके नीचे हम सेल करें क्योंकि ट्रेंड लाइन टूट जाएगा। निफ्टी अगर कल फ्लैट ओपनिंग होकर या फिर थोड़ा गैप अप ओपनिंग होकर 15,915 अगर तोड़ देगा तो सीधे आपको 16,000 देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, पीछे जाकर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये जो 15,915 का लेवल है ये बार बार टच हो चुका है। यहां पे आप देख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा जोन ड्रॉ कर लूं तो यहां पे आप देख सकते हैं क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस
ऑप्शंस हैं और ऑलरेडी 1, 2, 3, 4 चार बार टेस्ट हो चुका है। कल अगर देखिए फ्लैट है, अभी थोड़ा गैप अप नहीं होगा, अच्छे वॉल्यूम के साथ 15,915 टूटा तो सीधा आपको 16,000 देखने को मिलेगा। अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होकर 15,832 टूटा तब जाके आप सेल करना, रीजन आपको पता है क्यों। अगर बीच में रहता है तो प्लीज सेल मत करेगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए वीडियो को, मेरा लाइव एनालिसिस कैसा लगता है प्लीज कमेंट कर दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने माँ बाप को बहुत सारे प्यार दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।